को मिला है, पूरी एक को मिला है, लेकिन नौकरी पूरी दिल्ली में अभी तक किसी को नहीं दी है। साउथ दिल्ली के अंदर 10 लाख का चेक दिया और नौकरियाँ दी हैं, साउथ दिल्ली में है, लेकिन उत्तरी दिल्ली में पूरी दिल्ली के अंदर सिस्टम अभी लागू नहीं किया गया, ये समस्या है। इसलिए राष्ट्रीय हटाओ, राष्ट्रीय ठेकेदारी हटाओ, राष्ट्रीय बच्चे ने ये फैसला लिया है कि जो भी हमारी गर्वेंसीज है उनको पूरा किया जाए। साथ ही साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ, निगम भ्रष्टाचार के अंदर पूरी जीत है, इसका जीता जाता उदाहरण है, डब्बे आए ख़त्म, रिक्शे आए ख़त्म, गाड़ियाँ आई ख़त्म, एक एक साल के अंदर, जबकि हमारी पुरानी गाड़ियाँ हमारे वीर बहनों 10-10 साल चला करती थी, आज वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। वो सारा पैसा निगम पार्षदों की, मेयर की, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की जेब के अंदर चला गया है। शासन से, प्रशासन से मिल करके ये घोटाले कर रहे हैं। अगर कोई बात आती है तो कर्मचारी के ऊपर गार किया दी जाती है, और कर्मचारी कौन है, वो है हमारा सफाई कर्मचारी कि ये काम नहीं करते। और आप नियमित रूप से अपना कार्य करते हैं, और जैसा कि मैंने बात करी, यहाँ पे महिलाओं से ही बात करी, पुरुषों से ही बात करी, तो सब अपना कार्य करके आते हैं, अपने घर से निकल आते हैं, फिर उसके बाद आंदोलन करते हैं ताकि दिल्ली वाले परेशान ना हों। सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं, सुबह 6 बजे, जब आदमी सो कर भी नहीं उठता, बच्चे स्कूल जाएंगे कब जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे कोई पता नहीं, तक 3 बजे तक रहना है। बच्चे स्कूल से आके उन्होंने कुछ खाना खाया है नहीं खाया, क्या है क्या नहीं है, और 3 बजे तक रहने के बावजूद भी इनके बैठने का स्थान नहीं है। अगर हमारी महिलाओं को कहीं भी लंच करने का स्थान नहीं है, बैठने का स्थान नहीं है, इससे बड़ी विडम्बना क्या है। अगर हमारा कर्मचारी कहीं बैठ के किसी घर के आगे खाना खाने भी लगता है तो पानी फेंक देते हैं लोग। कितनी जलालत हम लोग झेल रहे हैं कि दिल्ली के अंदर रह करके इतनी बड़ी विडम्बना देख रहे हैं, और देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि देश डिजिटल बन रहा है, देश हाईटेक बन रहा है। किया जाता है फिर लोग आप लोगों के साथ, भेदभाव बड़ा जबरदस्त हो रहा है दिल्ली के अंदर, जहाँ देश के अंदर देश की राजधानी से ऐलान किया था ना कि देश डिजिटल हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। हाँ। मैं कहता हूँ कि दिल्ली पिछड़ रही है, दिल्ली नीचे गिर रही है, क्योंकि कॉर्पोरेशन के अंदर जो भी समस्याएं हैं वो यहाँ के मेयर होने ही नहीं देना चाहते। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि डिजिटल बनने की जगह अंधकार में जा रही है एक तरीके से दिल्ली, बीजेपी के कारण। और अब आप जो इलेक्शन होंगे एमपीडी के, उसमें आप कौन सी सरकार चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि ये सरकार आए, आपको किसी सरकार पे भरोसा है कि अगर इनकी सरकार आएगी तो कार्य करेगी, आपके जो समस्या है उनका समाधान किया जाएगा? देखिए मैं एक बात कहूँगा, अब पूरी की पूरी जो सत्ता चल रही है वो आम आदमी और बीजेपी के बीच में चल रहा है। अच्छा। सत्ता का गेम जो चल रहा है, एक फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं लोग, वो पाला उसके हक में भी डालते हैं, वो पाला उसके हक में डाल देंगे, कर्मचारी को पैसा नहीं दे रहा वो हक नहीं दे रहा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, आज मुझे याद आता है, लेकिन मैं किसी का पक्ष धर नहीं हूँ, मुझे वो ज़माना याद आता है कांग्रेस की जब सरकार थी तब कर्मचारी का कोई हक रोजगार बनी नहीं, लेकिन कांग्रेस ने ही रोजगार सबसे ज़्यादा सत्यानाश भी किया 3 टुकड़े करने के बाद, वो हमारी हिम्मत भी नहीं है और हमें गड्ढे में डालकर भी गई है, इसलिए उसका सुपड़ा साफ हो गया। अब बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा, आम आदमी पार्टी हमारे सुन नहीं रही है, इसलिए हम नोटा इस्तेमाल करेंगे। इस बार नोटा। अच्छा। इस बार नोटा, वोट की चोट। हाँ सर, इनके अलावा और कोई शिकायतें हैं? इन चीज़ों के अलावा और कोई शिकायतें भी हैं? देखिए हमारी एक शिकायत जो सबसे गंभीर है वो है कि हमारा जो कैशलेस कार्ड है, हाँ जी, वो किसी कर्मचारी का नहीं है। एक कर्मचारी, कच्चा कर्मचारी, जिसका आई कार्ड भी नहीं है, जिसका ईपीएफ कहीं भी देख ले वर्ल्ड में, जिसका ईपीएफ कटता है उसका ईसीआई कार्ड बनता है, ईएसआई कार्ड बनता है, लेकिन इन कर्मचारी को वो भी सुविधा नहीं है। अगर हमारे पास कार्ड नहीं है और डिस्टेंस में कर्मचारी इलाज कराने जाता है तो वो कैसे कराएगा इलाज? कोई भी किसी प्रकार की कच्चे डेली कर्मचारी को कोई सुविधा है ही नहीं। और डेथ कर्मचारी जो कि एक आदमी 15 साल से नौकरी करी, वो डेथ कर गया, उसकी भी वाइफ को या बेटे को लाएगी, वो भी 16 साल ही काम करेगा तब जाएगा उसे पक्का करेगा, ये कैसी नीति है? सरकार की दोगली नीति को बदलना पड़ेगा, हमारे जो ग्रेवेंस हैं उनकी सुननी पड़ेगी, हमारी बात सुननी पड़ेगी, और जो हमारे जीआर है उसके आधार के ऊपर हमसे बात करेंगे तो हमसे बात करेंगे। आज हमें मेयर ने बुलाया है, वो किसके कहने बुलाया? सांसद के कहने पर। जब तक वो चिट्ठी नहीं देंगे अधिकारिक रूप से हमें नहीं बुलाएंगे, हम उसकी मीटिंग के अंदर नहीं जाएंगे। यानी अपने मेयर से बात करने के लिए सांसद से कहना पड़ा? नहीं, कहना नहीं पड़ा, हमने तो उनका घेराव किया, कहना क्यों पड़ा? हमने उनके ऊपर दबाव बनाया, उनका घेराव किया, यानी कि घेराव करने के बाद घेराव करने के बाद नहीं, हाँ वो प्रदर्शन हो रहा था, उसने कहा था मेरी बात सुनो। अच्छा। आप प्रदर्शन मत करो, मैं बोलता हूँ डिपार्टमेंट को, ऐसे नहीं कि हमने उनसे कहा हाथ जोड़ा, हमने उनके गिरबान के ऊपर पैर रखा, तब जाके उन्होंने कहा फोन करके क्या आप इनसे मीटिंग करो, क्या क्यों करेंगे मीटिंग भाई, धरना रखा है, चिट्ठी भेजो, अधिकृत तरीके से चिट्ठी भेजो, बुलाइए तब हम आएंगे, आपके फोन के ऊपर थोड़े आएंगे, वो आपके गुलाम थोड़े आपके, बिल्कुल कर्मचारी है, कर्मचारी है और कोई बात नहीं है, वो जो भी करेंगे
शासन प्रशासन से हम लड़ने को तैयार बैठे, कोई दिक्कत नहीं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि चैनल जो आपने अभी जो आज ये देश की मीडिया है, आज की डेट में कोई भी मीडिया, जैसे हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री, पहले आप अपना नाम बताएंगे और क्या कार्य करते हैं? मेरा नाम है प्रवीण कुमार। मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ, कच्चा कर्मचारी हूँ। मैं 99 से मैं इस महकमे में काम कर रहा हूँ, आज तक भी पक्का नहीं हुआ हूँ। और आप मेरे अलावा क्या है, ये देखो हमारी माता है, ये भी कच्ची कर्मचारी हैं, ये हमारे साथ में बैठे हमारी माता, इनकी देखो उम्र हो चुकी है। मैं तो बताया कि किसी की उम्र 55 है, इनको इनको देखने के इनको देख के तो मुझे खुद रोना आ जाता कि शायद मैं भी इनकी तरह हो जाऊंगा, तब तक पक्का नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि ये बड़ी विडंबना है। इस देश की सरकार को देखो कि मोदी जी हमारे दिल की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, वाल्मीकि मंदिर पे पचपिया रोड से झाड़ू लगा के मैसेज देते हैं कि मैं सफाई कर्मचारियों का हितेशी हूँ, सफाई कर्मचारियों का, मैं वाल्मीकि समाज का हितेश हूँ, पैर धोता हूँ। लेकिन आप ये बताइए कि देश की मीडिया को हम लोगों का पेट नहीं दिख रहा, ये पूर्वी दिल्ली में, पूरी दिल्ली में हाहाकार मच गया। वाल्मीकि समाज के साथ जो जो ये हमारे साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, शायद किसी भी समाज के साथ ये उत्पीड़न नहीं हो रही, जबकि दिल्ली की राजधानी दिल कहते हैं, दिल्ली का दिल कहते हैं, जब हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, हम लोगों के साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है, तो अन्य प्रांतों में कितना कितना दुष्कर्म होता होगा। अभी आपने सुना होगा मीडिया में, पूरे चैनलों में, कि हमारे देश की बेटी, हमारे क्या कहते हैं, हाथरस कांड देखा होगा कि जिसमें कि पूरी की यूपी सरकार उसमें लिप्त थी, जिसमें डीएम एसएसपी सब दलितों के साथ कितना अत्याचार करे, रात को 2 बजे उस बेटी को रात को केरोसिन डाल के जलाया गया। तो हम उस चीज़ उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, इन लोगों ने क्या क्या अत्याचार हम लोगों पे किए हुए हैं, और आज की डेट में हम लोग भूखे रहकर अपना सफाई की तरह काम को करते हैं, और हमारी माताएं बहनों का आज तक अगर ये कच्चे कर्मचारी कच्चे अगर एक दिन हम काम पर ना आए तो हमारा वेतन काट लिया जाता है। हम यहाँ पर काम करने के लिए, हमें किराया मांगने के लिए भी हमें कोई किराया नहीं देता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली भाजपा सरकार एक टारगेट कर रही है दलितों को, ये प्रताड़ना कर रही है कि आप लोग साथ भेदभाव किया जाता है, आपको वेतन नहीं दिया जा रहा, आपको ठेकेदारी में डाला जा रहा है। आप ये बताइए मैम, मैं ये आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय ने हमारे को ये आदेश, इनको ये आदेश दिए कि इनका 1 तारीख से लेकर 7 तारीख को वेतन दे दिया जाना चाहिए, तो फिर इस तरीके से हमें उत्पीड़न क्यों दे रहे हैं ये? हम लोगों के साथ ना तो हमारा कोई मेडिकल कैशलेस है, ठीक है, ना हमें कोई शेल्टर हाउस दे रखा जहाँ हम बैठ के अपना खाना खा सके, हम सोच, हमारी माता बहनें सोच जाने के लिए भी परेशान है। तो ऐसी इतनी दरिद्रता शायद इस मोदी सरकार में मैंने कभी नहीं देखी कि जब से ये मोदी जी आए हैं इस देश को खा गए हैं, हमारे वाल्मीकि समाज को खा गए हैं, क्योंकि इतने बड़े शख्स होने के बाद जब दुनिया देश विदेश की मदद कर रहे हैं, क्या एक वाल्मीकि समाज की मदद नहीं कर सकते? यानी कि अपने ही देश में रह के अपने वाल्मीकि समाज से ही आप, वाल्मीकि समाज वंचित समाज है, सबसे पिछड़ा समाज है, हम लोगों पे कोई रोजगार नहीं। आज की डेट में प्राइवेट नौकरी, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं कैसे, स्कूलों में फीस कहाँ से दें, हम अपने बच्चों को ट्यूशन की फीस कहाँ से दें? हमारी अगर आज की डेट में हमारी माता बहनें कोई बीमार हो जाती हैं, अगर ये 2 दिन की छुट्टी कर लेते हो, हमें सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, अपना इलाज कराने जाना पड़ता है, हमारे पास कोई मेडिकल कैशलेस सुविधा नहीं है, हम लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि हम अपने नौकर होने का प्रमाण कर सके, हमारा आज तक आई कार्ड तक नहीं बनाया गया, यानी कोई सुविधा नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इलेक्शन होते हैं तो आप किस सरकार को सोचते हैं, कि अगर आपको किसी को थोड़ा बहुत भरोसा, आप किस सरकार को मौका देना चाहते हैं? देखो मौके की बात है, देखो वोट की चोट तो इस बार है ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे कांग्रेस थी, जो कांग्रेस के राज में कभी हमारे कर्मचारियों को कभी तनख्वाह से वंचित नहीं होना पड़ा, लेकिन जो तीन भागों में हम लोगों को बांट के गई है, हम उसकी वजह से आज ज़्यादा परेशान हैं। उसके बाद 15 साल से निगम में बैठी शासित बीजेपी सरकार को, इसका दोषी बीजेपी सरकार है, और इसके अलावा जो भी कोई सरकार आती है, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर हम किसी को वोट देंगे ना, वोट की चोट हम तब देगा पूरा वाल्मीकि समाज, दलित समाज, कि जो कोई ऐलान करेगा कि हम लोगों को पक्का करेगा, हम लोगों की जो कैशलेस सुविधा है वो हमें देगा अपने मैनिफेस्टो में, जब तक कोई ऐसा कोई भी पार्टी नहीं डालेगी, जो पार्टी डालेगी हम उस पार्टी को वोट देंगे। यानी कि आपकी जो पार्टी से सारी मांगे मानेंगे आप उसी को, हम उसको वोट देंगे, अदरवाइज वोट का बहिष्कार करेंगे, वोट हम नोटा पे डालेंगे, वोट की चोट हम तीनों पार्टियों को दिखाएंगे। अगर हमारे लिए कोई मैनोफेस्टो तैयार करके हमारे को नहीं बताया जाता, मांग डिमांड में वाल्मीकि समाज की अगर मांग डिमांड नहीं रखी गई, हम हर पार्टी का बहिष्कार करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए, उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी बात सुने और आपकी समस्याओं का समाधान निकाले। धन्यवाद।